आइए जानते हैं और एक रोचक कहानी। दशहरा के पूर्व काल में युद्ध के दरमियान ही जब रावण ने भगवान श्री राम की स्तुति की थी। मित्रों, नवरात्र के दरमियान भगवान श्री राम और रावण के दरमियान भीषण युद्ध चल रहा था। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ता गया, अष्टमी के दिन, नवमी के दिन रावण को यह एहसास हो गया कि वह स्वयं विष्णु के अवतार भगवान श्री राम को कभी भी पराजित नहीं कर सकते और अब रावण का उसका खुद का अंत निश्चित है। ऐसा सोचकर रावण युद्ध के समय पर ही भगवान श्री राम की स्तुति करने लगता है। यह स्तुति सुनने के बाद भगवान श्री राम को रावण पर दया आती है। वह सोचने लगते हैं कि वह अपने भक्त का वह कैसे वध करे। भगवान श्री राम अपना धनुष नीचे रख देते हैं। यह सब देखकर सभी देवतागण चिंतित हो जाते हैं। सभी देवगण मिलकर सरस्वती माता की वंदना करते हैं। उसके बाद सरस्वती माता रावण की जिह्वा पर विराजमान होकर रावण के द्वारा भगवान श्री राम के लिए कड़वे वचन बुलवाती है। रावण के मुख से कड़वे वचन सुनकर भगवान श्री राम रावण का वध कर देते हैं। दर्शकों, इस प्रकार सरस्वती वंदना से भगवान श्री राम की स्तुति जो रावण ने आरंभ की थी वो पूरी नहीं हो पाई और रावण का अंत हो गया।